देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व है ये, ठीक है ना। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है? ऐसा प्रॉफिट जो आप क्या कर रखे हैं, इकट्ठा करके रखे हैं या रिजर्व इकट्ठा करके रखे हैं, वो क्या है आपका? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है। या बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट शो कर रहा है, पीएल का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, लाइबिलिटी साइड, वो क्या है आपका? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक है, या जनरल रिजर्व है आपका। या इधर ध्यान दो आप, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया कि नहीं दिया है, ये क्या है आपका? फिक्सीशियस एसेट्स है आपका, है कि नहीं? क्योंकि ध्यान रखो ये जो क्रेडिट बैलेंस है, चाहे वो पीएल का हो चाहे जनरल रिजर्व का हो, ये आपका क्या शो कर रहा है? प्रॉफिट शो कर रहा है। गुडविल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये क्या है आपका? डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो ध्यान रखो हम लोग इसमें क्या पढ़े हैं, ये आपका बैलेंस शीट दिया है, देखो जिसमें जिसमें लाइन खींचा है वही एक्युमुलेट, इधर का एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है। लाइबिलिटी साइड हमेशा क्या शो होगा? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। और एसेट साइड क्या शो होगा? एक्युमुलेटेड, देख लो सी एडमिटेड। इसका कैलकुलेशन आप कब करोगे? किसी का एडमिशन होगा या किसी का रिटायरमेंट होगा, किसी के आने पर या किसी के जाने पर या किसी के दुनिया से चले जाने पर। बात समझ में आ रही नहीं? तो ध्यान रखोगे यहां पर सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर या सी इज रिटायर्ड, ठीक है ना। ध्यान रखोगे प्रॉफिट और इनका कैपिटल जो भी हो आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ध्यान रखोगे इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या है? ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। देखोगे क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है? क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है? प्रॉफिट। अकाउंट क्लोज करोगे क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा। देखोगे ये डेबिट बैलेंस है, ये क्या शो करता है? अकाउंट क्लोज करोगे क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। जब इस अपोजिट एंट्री पास करोगे तभी तो अकाउंट क्लोज होंगे। पढ़िए भैया इस एंट्री को, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। हमने अभी आपको पढ़ाया प्रॉफिट कौन सा बैलेंस शो कर रहा है? क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। अकाउंट क्लोज हो रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका? किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड पार्टनर को। किस रेशियो में करोगे? ओल्ड रेशियो। बात समझ में आ रहा है आपके? फिर एक्युमुलेटेड लॉस है, ठीक है ना, इसमें पीएल का डेबिट बैलेंस भी आता है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू पीएल अकाउंट या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अगर गुडविल होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये कौन सी गुडविल की बात कर रहा है? जो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब बैलेंस शीट में, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका। आपको मैंने बताया है अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, उसका एडमिशन हो रहा है या रिटायरमेंट हो रहा है, और उस डेट को आपके पास एक्युमुलेटेड प्रॉफिट के रूप में कुछ भी है या लॉस के रूप में कुछ भी है, तो क्या करेंगे आप? उसको ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। बातें समझ में आ रही है आपके? आगे बढ़ा जाए। फिर स्पेसिफिक रिजर्व है, अभी इसको बाद में करा जाएगा, पहले इसको कर लिया जाए, ठीक है। तो बुक ओपन करो भाई, उसमें देखो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। रिटायरमेंट ओपन करिए आप फटाफट। नई बुक ओपन करो, आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 28 पर, जहां पर हेडिंग दिया है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है। सभी लोग लिख लो एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है। यहां तक
सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है देखोगे भाई। ये लिखता है कि पार्टनर है कौन कौन है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका क्या है भाई, 1 2 3 4। ये कह रहा है डी रिटायर, ये क्या हो गया भाई, है ना, इज शेयर टेकन बाय, कौन कौन ले रहा है इसका शेयर, ए एंड बी कैसे ले रहे हैं इक्वल। बात समझ में आ गई, गुडविल वाज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विच वर ₹20,000, ठीक है ना। जनरल रिजर्व बैलेंस शो कर रहा है 65 का, डी के रिटायरमेंट के समय यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट ऑन डीज रिटायरमेंट, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हिज कैपिटल अकाउंट टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू हिम व्हेन हिज कैपिटल बैलेंस इन द बैलेंस शीट वाज 1,50,000 बिफोर एनी एडजस्टमेंट, ऑल्सो कैलकुलेट द एनपीएसआर। चलिए भाई, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे एनपीएसआर, हटा दें इसको, ये पार्टनर है हमारे, ये पीएसआर है, ये रिटायर हो रहा है, देखो टोटल कितना है 10 आ रहा है ना, तो डी का शेयर क्या है 4/10, इसका शेयर कौन कौन ले रहा है, ए और बी ले रहे हैं, 4/10 का 1/2, 2/10, 4/10 का 1/10, 1/2, 2/10, अगर आप एनपीएसआर निकालोगे तो एनपीएसआर क्या होगा, बताओ भाई, ए का शेयर आपको पता है 1/10, बी का शेयर 2/10 है, प्लस इसको 2/10 मिल गया, ये कितना हो गया आपका 4/10, सी का शेयर क्या है 3/10, इसको भी मिल गया 2/10 का शेयर क्या हो गया आपका 4/10, सी को नहीं है, ए को मिला है, हाँ हाँ ठीक, ऐड कर लो इसमें 2/10 कितना आ गया, ये 3/10 आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर आप देखोगे एनपीएसआर 3/4/3, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, गेनिंग रेशियो निकालना है आप लोग को, बोला है देखो उसने गेनिंग की कोई रिक्वायरमेंट तो हमको दिख नहीं रही है, अगर आपका मन करता है निकाल लो, गुडविल कितने का है यहां पर देखिए 20,000 का है, इसमें आप डी का शेयर निकाल लो, 20,000 इंटू डी का शेयर क्या है भाई 4/10, जो जो कैंसिल हो गया कितना आ गया ही आपका 8,000, आगे बढ़े, रिजर्व चेक कर लो कितने का है, 65 का रिजर्व है, इंटू 2/10 का शेयर क्या है 4/10 है ना, कितना आ गया
26,000 आ गया ना डी का शेयर, जरा गुडविल को रेक्टिफाई कर लो। गुडविल में एवरेज प्रॉफिट जो है 20,000 का है इंटू 3, तो गुडविल हमारी 60,000 की होगी, ठीक है। तो जो डी का शेयर आएगा 60,000 इंटू 4/10 करेगा, जो जो कैंसिल, ये आएगा आपका 24,000। उसमें देखो लिखा है ना 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विच वास, मतलब एवरेज प्रॉफिट आपका 20,000 का है, ध्यान से पढ़ना उसको आराम से। बताओ भाई गुडविल के लिए कैन टी पास करोगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर को डेबिट करो, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20, तो बी ने तो ए और बी लिए थे ना इक्वली, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सी, तो लिया नहीं था 20 कैपिटल अकाउंट, तो गेनिंग रेशियो क्या है आपका इक्वली है ना, तो 24 को 12 डिवाइड कर लो भाई, ये हो गया आपके गुडविल का एंट्री। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर देगा, जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर वो ले लिए, तो जो रिसीवर है वो डेबिट हो गया, जो गिवर है वो क्रेडिट हो गया, सिंपल सा रूल है आपका, ठीक है। भर आगे देखो 65,000 रुपये का क्या है, डिवाइड कर दो, उसने बोला डी का कैपिटल अकाउंट बनाओ, हटाए इसको, यहां लिख दोगे आप बाय बैलेंस बीडी, इसकी कैपिटल कितनी थी 150, इसने अपना प्रीमियम दिया किसको, किसको दिया, केस कैपिटल 12, जनरल रिजर्व कितने का है 26 का है कि नहीं, डी का कितने का है 26 का है कि नहीं, तो कितना हो गया ये 2,00,000 हो गया कि नहीं हो गया, इसको पेमेंट करोगे कितना पेमेंट करोगे 2,00,000, 2, ध्यान रखो ये जा रहा है तो बैलेंस शीट ही लिखते थे, अब जाएगा तो पेमेंट लेगा ना, क्या लिखोगे नोट कर लो, बैलेंस या अगर पेमेंट होगा तो ठीक है, आप लोग इसको विधिवत छाप सकते हैं, हटा रहे इसको, फिर ट्वेंटी नाइन्थ में आइए आप देखिए पार्टनर फिर से कौन है, ए बी सी एंड डी, प्रॉफिट सेलिंग रेशियो जो आपका है 3:2:2, इसमें रिटायर कौन हो रहा है, ही इज रिटायर्स, ठीक है, इनका एनपीएसआर क्या है, ठीक है, कोई समस्या की बात यहां तक, आगे बढ़ो, ऑन द डेट ऑफ सीज रिटायरमेंट देर वॉज अ डेबिट बैलेंस 30,800 इन द पीएल, सो द नेसेसिटी एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट बैलेंस, खड़े जाइए एंट्री बताइए, जिस दिन सी रिटायर हुआ है इस दिन पीएल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट, कितने का 30,800 का, एंट्री पास करोगे डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट होगा, ए बी डी, कैपिटल अकाउंट डेबिट
क्या लिख दोगे यहां पर? टू पीएल अकाउंट, ठीक है ना। कितने का था? 30,800। इसको क्या करोगे, किस रेशियो में डिवाइड करेंगे आप लोग? जल्दी डिवाइड कर बताइए। ग्यारह हजार दो सौ, 8,400, 5,000, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो पार्टनर कौन कौन है, एबीसी पीएसआर दिया है, ए रिटायर हो गया, एनपीएसआर भी दे दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 का है, बुक वैल्यू कितने की है और मार्केट वैल्यू दिया है 1,00,000 का, ठीक है ना। तो हमको क्या हो गया भाई, कितने का प्रॉफिट हो गया? इस प्रॉफिट को क्या करेंगे आप, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, यही होगा ना। तो देखो भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का, 40 का है ना। डिस्ट्रीब्यूट करो उसको 2:2:1 के रेशियो में, ये आ गया आपका 16:16:8। ये पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट पर रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा। एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का, 15,000। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ए बी और सी, तो 15,000 को डिवाइड कर दो 6 और नोट कर लो।